सीपीजी कॉलेज ऑफ हायर स्टडी एंड स्कूल ऑफ लॉ नरेला ने बीए एलएलबी ऑनर्स, बीबीए एलएलबी ऑनर्स और एलएलएम के प्रथम वर्ष के छात्रों को फ्रेशर पार्टी आगमन 24 का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान और सरस्वती वंदना के बीच शुभ दीप प्रज्वलन से हुई। इस अवसर पर महानिदेशक डॉक्टर युगांग चतुर्वेदी ने मुख्य वक्ता के रूप में स्वागत भाषण दिया। इस मौके पर युगांग चतुर्वेदी ने कहा कि आज इस यादगार कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करना उनके लिए बहुत सौभाग्य और सम्मान का क्षण है। उन्हें नए छात्र छात्राओं को कॉलेज के बारे में बताते हुए बेहद खुशी महसूस हुई है। 2007 में स्थापना के बाद से हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान कर रहे हैं। वेलकम टू आगमन 2024। That your college life is F2F, I said it on the orientation also. Wherein the first F is your freshers, the second F is your farewell. So your 5 years is going to be the stay at the college from your freshers to your farewell, I suppose so. It's kind of the start of your college life, and your farewell is kind of ending the farewell, your 5 years of your college life. So students, I feel so that we'll have some of the LLM students also here who have joined us after their 5 years of BLLB or BBLLB, maybe a 3 years of a graduation and a 3 years of LLB, and after that they've joined the college for LLM course. This LLM course has come to us, for your information, 2 years back, and this is going to be the third year of LLM graduates, postgraduates will be passing out who are taking admission this year. So that's beauty, that after 5 years when you finish your college year with CPJ, as a proud CPJ, and you will have the full liberties of remaining for 1 year more, or maybe after 5 years, IP University also has a 2 year of LLM course, the chances of which are very, very strong. So you will be here for another 2 years, Sanjay. युगांग चतुर्वेदी ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक प्रणाली का विकास संकाय के प्रतिबद्ध सदस्यों, नवीन बुनियादी सुविधाओं, सहायक प्रशासन, सीखने के संसाधनों के विशेष श्रृंखला और सबसे महत्वपूर्ण रूप से मेहनती और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों पर निर्भर करता है। महानिदेशक ने छात्रों को पर्याप्त प्रेरणा और प्रोत्साहन प्रदान किया। उन्होंने सभी प्रवेशित विद्यार्थियों को अपने शैक्षिक यात्रा कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ पूरी करने और अपने भावी करियर में आगे बढ़ने की शुभकामना दी। प्रतिस्पर्धा के इस युग में आप सभी को संघर्ष में जीत हासिल करने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी। डॉक्टर चतुर्वेदी ने उन्हें समय का पाबंद होने और कॉलेज के शैक्षणिक माहौल में बेहतर तरीके से आप तालमेल बिठाने के लिए प्रोत्साहित किया। यह परिवर्तन और ललचीलापन छात्रों को कठिन समय के दौरान भी प्रेरित करने और दृढ़ रहने में मदद करता है। उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाई में सराहनीय सफलता के हासिल करने का आशीर्वाद दिया। अपनी विशेष दूंगा, ब्लेसिंग्स दूंगा, और डेफिनेटली यही कहूंगा कि बच्चे बहुत सक्सेस पाएं, और सक्सेस पाने के लिए मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ कि पहले आप एस्पायर करें, आप एम्बिशंस रखें। आप एम्बिशियस होंगे तभी तो आपके अंदर इच्छा जागृत होगी अपनी उन एम्बिशंस को पूरा करने की। तो एस्पिरेशंस रखना बहुत ज़रूरी है, और फिर एस्पिरेशन को पाने के लिए आपको अपना कैलिबर तो उठाना ही पड़ेगा। तो अच्छा पढ़ें या नॉलेज अच्छी गेन करें, और डेफिनेटली सक्सीड होए अपनी 2-3 चीज़ों के साथ। पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, एनर्जी को अपने हाई रखें, और बिल्कुल keep a very good view about your people around you and the society. आगमन 2024 में मनोरंजक सांस्कृतिक कार्यक्रम, मनोरंजन खेल, टैलेंट हंट, रैम बाग, बॉलीवुड गाने और डांस से माहौल गुंजायमान हो गया। छात्र छात्राओं की सुंदर प्रस्तुति और बेहतरीन प्रदर्शन ने दर्शकों की खूब ताली बटोरी। इस अवसर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और मनोरंजक खेलों और मनोरंजक संगीत आदि में अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा मेधावी छात्रों को कॉलेज अधिकारियों द्वारा विभिन्न उपाधियों से सम्मानित किया गया, जैसे मिस आगमन, मिस्टर आगमन, मिस बेस्ट अटायर, मिस्टर बेस्ट अटायर और मिस ब्यूटीफुल, मिस्टर हैंडसम के खिताब से नवाजा गया। आपने कौन सा अवार्ड जीता? I want Miss Agman. Agman, कैसा महसूस हो रहा है? How do you feel? I feel so great, and I was so skeptical at the beginning, but still it is really fun. You are expecting? I'm expecting many more such programs. Okay. Freshers का स्वागत समारोह आगमन 24 में बेस्ट अटायर देवराज, मिस अटायर यशविका, मिस्टर हैंडसम दिव्यांशु,
मिस ब्यूटीफुल दीक्षा को खिताब से नवाजा गया। मिस्टर आगमन का खिताब देवहोत्रा और मिस आगमन का खिताब श्रीनिधि को मिला। वहीं म्यूजिकल चेयर में देवहोत्रा और रुचि झा ने गेम जीते तो पुशअप में अनुज ने सबको पछाड़ दिया। सभी विजेता को चैनल की ओर से बधाई एवं शुभकामनाएं। दिल्ली से मानवेंद्र की रिपोर्ट। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।